हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं मेरे मोस्ट फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है कि आप अपनी स्किन पे क्या अप्लाई करते हो, तो इस वक्त बिफोर बाथ, नहाने से पहले जो मैं अपनी स्किन पर अप्लाई करती हूँ फेस पर, वो मैं आज दिखाने वाली हूँ डेमो के साथ। एंड दिस इज माई मोस्ट फेवरेट फेस स्क्रब फ्रॉम वान्या हर्बल। यू कैन सी दिस इज द आउटर पैकेजिंग, एंड इसका पूरा नाम मैं बता दूं, हर्बल लग्जरी वान्या अनार शाइन पोमेग्रेनेट फेस स्क्रब है ये। 30 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है, 695 रुपीज का ये है, 100% वेजिटेरियन है, क्रूएल्टी फ्री है, देर इज नो केमिकल, प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का तरीका तो मैं बताऊंगी, क्योंकि फेस स्क्रब सबको इस्तेमाल करना आता है, बट सब अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से काम करता है ये मैं बता दूं। हैंड क्राफ्टेड विद द फाइनेस्ट ऑफ हर्ब्स, बेनिफिट्स इसके हैं, अ डीपली नरिशिंग ब्लेंड्स ऑफ पोमेग्रेनेट पील, ऑरेंज पील, मिल्क पाउडर एंड नेचुरल केन शुगर, यूनिकली फॉर्मुलेटेड टू रेसिस्ट एक्ने एंड ऑक्सीडेशन वाइल जेंटली एक्सफोलिएटिंग एंड हाइड्रेटिंग स्किन, आइडियल फॉर ऑल स्किन टोन्स एंड टेक्स्चर्स, वाइल द पोमेग्रेनेट वर्क्स टू रिड्यूस टैन, ये टैनिंग भी रिमूव करता है, द ऑरेंज पील एक्ट्स एज एन एस्ट्रिंजेंट, एक्सपीरियंस द डीप क्लिंजिंग ऑफ द कॉन्सेंट्रेट फेस एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। और सिंपली आप इसको यू नो जैसे कि कोई भी फेस स्क्रब इस्तेमाल करते हैं वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप गुलाब जल के साथ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन मैं इसको ना बेला मिस्ट के साथ इस्तेमाल करती हूँ। दिस इज माय मोस्ट फेवरेट फॉरेस्ट एसेंशियल लग्जूरियस आयुर्वेदा फेशियल टॉनिक मिस्ट बेला, एंड इसको मैं हल्का सा स्प्रे कर लूंगी। ठीक है, इससे मेरा फेस जो है वो भीग गया, और अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। इस तरीके की पैकिंग है, पैकिंग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, क्योंकि एक जार है, जार की पैकिंग मुझे बहुत सुंदर लगती है। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट फिनिश होने को है, क्योंकि वैसे तो आप इसे सप्ताह में एक या दो बार कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो बहुत ज़्यादा, अगर आपको एवरीडे बाहर जाते हो, पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है, तो आप 3 बार कर सकते हो सप्ताह में, एक दिन छोड़ करके। तो ये आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, एंड दिस इज ऑसम। आपने देखा होगा मैंने एक स्किन केयर प्रोडक्ट एक स्किन केयर वीडियो किया था, उसमें इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया था। और जब मैं नैनीताल गई थी तो मैं इस फेस स्क्रब को ले गई थी कि मतलब विंटर में ये कैसे काम करेगा अगर सर्दी हो तो वहां पर मैंने आपको मेरे रूम टूर जब मैंने कराया था तो दिखाया भी था मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैं ले गई थी। ठीक है, और थोड़ा सा और लेना होगा। एंड इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा औसम है, एकदम लाजवाब खुशबू है इसकी, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी ये प्रोडक्ट। पता है ये स्किन को इतना डीपली क्लीन करता है कि फेस वॉश की भी जरूरत नहीं होती है आफ्टर दिस। इसके बाद आप डायरेक्टली कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, कोई फेस क्रीम लगा लीजिए, और अगर आपके पास वान्या की फेस क्रीम है तो उसके साथ तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। जो अनार वाली फेस क्रीम आती है, मेरे पास है, मैं वही आजकल लगा रही हूँ इसके बाद, बट इसकी बात ही कुछ और है। मतलब वान्या में जितने प्रोडक्ट मेरे पास आए थे उनमें से मैं ऑलमोस्ट, मुझे 2 से 3 महीने हो गया है यूज़ करते हुए, एंड मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि उन सब में मेरा मोस्ट फेवरेट था एक तो रोज़ वाटर, एक ये फेस स्क्रब। दिस इज़ वेरी वेरी जेंटल ऑन स्किन, और मैं आपको बोल रही हूँ कि हल्का हल्का आप इसको पानी से गीला कर लें और जेंटली आप इससे मसाज कर लीजिए। आपको खुद ही आपकी स्किन में फर्क दिखाई देने लगेगा, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करता है ये, एक्सट्रीमली ऑसम प्रोडक्ट है ये, समझ लीजिए।
और एक चीज़ और है, मैं बहुत ज़्यादा फेस स्क्रब इस्तेमाल नहीं करती हूँ अपने फेस पे। इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी जस्ट हर्ब का फेस स्क्रब, वो आपने देखा होगा, बट उससे थोड़ा सा मेरी स्किन एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज हो जाती है, मतलब फिर ऑयली की तरफ जाने लगती है। बट इसके साथ ऐसा नहीं है, ये स्किन को एकदम प्योर तरीके से साफ कर देता है, और क्योंकि इसमें अनार है वो आपकी स्किन को फर्म भी करता है, तो मैं आपको ज़रूर से बोलूँगी कि आप ये ले लीजिए। अभी मैं जब धुलूंगी तो आपको दिखाऊंगी। और थोड़ा सा जो है आप, और बहुत सारे लोग कहते हैं क्या एवरीडे स्क्रब करना चाहिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का सामना करती है तो आपको माइल्ड स्क्रब जो है वो एवरीडे करना चाहिए दोस्तों। और ये तो अब इतना ज़्यादा धूप और डर्ट डस्ट इस सब से स्किन को बचाने के लिए आपको करना ही चाहिए, हल्का सा एक्सफोलिएट, या तो आप अपना फेस वॉश ही ऐसा खरीदें कि उससे आपको एक्सफोलिएटिंग करने को मिल जाए। तो नहाने से पहले बस 5 मिनट आप इससे स्क्रब कर सकते हो वीक में 2 या 3 बार, और ये आपकी स्किन को क्लीन रखेगा और बहुत ही जेंटली क्लीन रखेगा। तो मैं अब इसे धो लेती हूँ और अभी आपको दिखाती हूँ मेरा फेस। तो ये देख सकते हैं आप, इस वक्त मैंने अपना फेस जो है वो धुल लिया है और बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गई है स्किन और काफ़ी हेल्दी लग रही है। तो इस तरीके से आप अपना फेस स्क्रब कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है आप देख रहे हैं कि ये 695 का है, महंगा है या फिर ज़रा सी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, बट मैं आपको बताऊँ बहुत ज़रा सी प्रोडक्ट क्वांटिटी ही लगती है इसको फेस पर अप्लाई करने में। और आप सप्ताह में एक बार भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन दिन दिन जो है वो खिलती चली जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। तो मैं आपको जरूर से बोलूंगी, जो मेरे सब्सक्राइबर जिनको ऐसे क्लीन क्लियर और हेल्दी और एकदम खिली खिली त्वचा चाहिए, तो वो अपने चेहरे को इस समर इससे स्क्रब कर सकते हैं। और क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है तो समर हो या विंटर आप ऑल टेक्सचर्स टाइप जो आपकी स्किन है कैसा भी टेक्सचर हो आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इसको आप पानी से धो सकते हैं। और कहीं मैंने तो इसको बेला मिस्ट के साथ इस्तेमाल किया था, अगर कहीं आप रोज वाटर के साथ ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप वान्या का ही प्योर रोज वाटर भी ले रहे हैं, ट्रस्ट मी आपकी स्किन दिन दिन हेल्दी होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप जरूर से ये वाला स्क्रब जो है वो ट्राई कीजिए, दिस इज 10/10 प्रोडक्ट। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और ये प्रोडक्ट आपको समझ आया है, मैंने अभी आपको फेस पर लगा करके दिखाया है, तो आप जरूर से इसे ले लीजिए। और इसको आप वान्या हर्बल के प्रोडक्ट्स आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, डायरेक्ट आप वान्या हर्बल से ले सकते हैं। सभी के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। और साथ ही इसके और भी बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के रिव्यू मैंने किए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, आने वाले रिव्यू आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे हल्की सी सर्दी है, सो आई एम सो सॉरी, बट अब मैं अच्छे से नहा लेती हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्क्रब है आप इसे आफ्टर बाथ भी कर सकते हो, लेकिन स्क्रब वगैरह जो है वो नहाने से पहले ही करना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद आप चाहें तो कोई अच्छा सा फेस मिस्ट लगा लीजिए, कोई लिप बाम लगा लीजिए। तो दिस इज माई फेवरेट प्रोडक्ट एंड आई होप कि ये आपका भी फेवरेट हो जाए, बिकॉज बहुत अच्छा काम करता है। आप देख रहे हो स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है नेचुरली, कुछ लगाना नहीं पड़ता है उस पर फिर भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल रारा एंड माई अनदर ऑल चैनल्स। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे जरूर से फॉलो करें और मेरी अनदर वीडियो जरूर देखें।